और अगर आपने ये मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। नई नई वीडियोस में डालता रहूँगा। पहले तो आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज के हमारी वीडियो का टॉपिक है हाउ टू इम्प्रूव योर लाइन ड्राइंग, कि अपनी लाइन ड्राइंग को कैसे इम्प्रूव करें। और ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है जो बिगिनर्स हैं, स्केचिंग सीख रहे हैं और या सीखना चाहते हैं, वो भी ये वीडियो पूरी ज़रूर देखें। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि लाइन ड्राइंग को इम्प्रूव कैसे करना है, इसमें आपको क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या स्टेप्स करने पड़ेंगे जिससे आपकी लाइन ड्राइंग इम्प्रूव हो सकती है। और इसमें मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आपको पेंसिल को कैसे पकड़ना है, कैसे यूज़ करना है, अपने हाथ की मूवमेंट कैसे करनी है जिससे आपकी लाइन ड्राइंग अच्छी होगी, लाइनिंग की प्रैक्टिस कैसे करेंगे और इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, वो भी आपको इस वीडियो में मैं पूरी डिटेल में बताऊंगा। इसलिए ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बताऊंगा जिससे आपकी लाइन ड्राइंग ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव होगी। और इसको आपको डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जो भी मैं बताऊँगा डेली प्रैक्टिस करोगे तभी इम्प्रूव होगी, अगर नहीं करोगे तो वो इम्प्रूव नहीं हो पाएगी। इसलिए स्केचिंग में बहुत पेशेंस चाहिए होता है, जितना पेशेंस आप में होगा उतनी जल्दी आप सीख पाओगे। स्केचिंग इज़ ऑल अबाउट पेशेंस। एक बार नहीं होता, दो बार करो, तीन बार करो, सौ बार करो, सौ बार नहीं होगा, 101 बार तो ज़रूर होगा। इसलिए प्रैक्टिस कभी नहीं छोड़नी। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि इसमें कार्टून्स वगैरह में ज़्यादा हाथ डालो, कार्टून्स वगैरह ज़्यादा बनाओ, उससे आपकी लाइनिंग और इम्प्रूव हो सकती है। जैसे दिन में आधा घंटा तो ज़रूर करनी है डेली इसकी प्रैक्टिस, जो भी मैं बताऊँगा इस वीडियो में। चलिए हम लाइनिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम हॉरिजॉन्टल लाइन की प्रैक्टिस करेंगे, हॉरिजॉन्टल यानी कि ये, ठीक है। तो कई मैंने कई बच्चों को देखा है जो हॉरिजॉन्टल की प्रैक्टिस करते हैं लाइनिंग की कभी भी, तो ऐसे कलाई अपनी कलाई को ऐसे उठाकर फिर करते हैं ऐसे, तो ये हमने नहीं करना। इससे हमारा क्या कर्व लाइनें डलती हैं। हमने करना है अपनी कलाई को नीचे रख के और पेंसिल पे प्रेशर बिल्कुल नहीं डालना, पेंसिल को बिल्कुल लाइट लाइट सा पकड़ना है। प्रेशर हमने सिर्फ यहाँ पे डालना है अपनी हथेली की ये साइड पे, ठीक है। हमने इसको दबाना है हाथ को ऐसे इधर से दबाकर, फिर पेंसिल को सिर्फ पेपर से टच करना और फिर स्टार्ट करनी है ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। हमेशा याद रखना हमारा प्रेशर इस पर पड़ना चाहिए, पेंसिल पर प्रेशर नहीं जाना चाहिए, इस पर जाना चाहिए। और पेंसिल को सिर्फ पेपर के साथ टच करना है, उस पर प्रेशर नहीं डालना। पेंसिल को हमेशा लाइट पकड़ना है, जितना लाइट पकड़ सकते हो, उससे आपकी कमांड बढ़ेगी और आप पेशेंस भी बढ़ेगी। और इस पर हमेशा ज़ोर डालना है, ये हमेशा याद रखना कि हाथ की ये साइड पर ज़ोर पड़ना चाहिए तभी लाइन सीधी आएगी। ये करने के बाद फिर हमने ऑपोजिट साइड पर भी करना है, दिस साइड सेम प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर ऑपोजिट साइड पे करते जाना। इसको हमने एक बार में 100 times करना है, ये साइड भी 100 times, फिर ऑपोजिट साइड भी 100 times, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल की, बस ये चीज़ याद रखना हमारा प्रेशर इस पे होना चाहिए, हमेशा ये याद रखना। और फिर बाकी भी अब इसके बाद करेंगे हम डायगोनल लाइन, डायगनल की ऐसे, ये इसमें भी सेम यहां प्रेशर, और इसका भी सेम 100 times दिस साइड, देन 100 times दिस साइड, ठीक है। और फिर इस साइड भी ऐसे भी। और हमेशा याद रखना है हमारा हाथ मूव होना चाहिए, कभी भी पेपर को ऐसे घुमाना नहीं है। कई करते पेपर को घुमा के फिर डायगोनल लाइंस की प्रैक्टिस करते हैं, वैसे नहीं करना। हमेशा पेपर सीधा रखना है, सिर्फ अपनी रिस्ट को मूव करना है, ये इस साइड, फिर जब इस साइड करना है फिर रिस्ट को ऐसे, सिर्फ रिस्ट मूव होनी चाहिए, हमने पेपर को ऐसे घुमाना नहीं है कभी भी। और कोशिश करना जब भी कुछ भी बना भी रहे हो
और पेपर सीधा रहना चाहिए, पेपर को घुमा के नहीं बनाना कि कभी इस साइड घुमा लिया कभी उस साइड। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, इससे आपकी रिस्ट भी फ्लेक्सिबल होगी जब इस साइड बनाओगे, ऐसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे, कुछ भी। फिर हमने वर्टिकल लाइंस भी, वर्टिकल लाइंस अब कई इस तरह से करते हैं पर इस तरह से कभी नहीं होती, ठीक है। वर्टिकल लाइन की हमेशा प्रैक्टिस करनी ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। हाथ को ऐसे नहीं रखना वर्टिकल, वर्टिकल लाइन के लिए उसके लिए हमने ऐसे कर देना, हाथ को ज़रा सा टेढ़ा करके इधर से मूव करके ऐसे, ये और इसकी भी सेम ऑपोजिट साइड भी 100 100 टाइम्स करना है इसको। और दिन में आप कभी भी जब भी आपको टाइम मिले, फ्री हो, कभी भी कर सकते हो। एक दिन में हमेशा आधा घंटा तो ज़रूर करना है इसको, अगर आपके पास टाइम की कमी है तो मिनिमम भी आधा घंटे के लिए ज़रूर प्रैक्टिस करनी है लाइनिंग की। और अब हम करेंगे सर्कल की। अब सर्कल का भी सेम है, हमने सर्कल के लिए भी इधर प्रेशर डालना है, ऐसे पेंसिल रख के सिर्फ हाथ मूव करना है ऐसे, ये इसी तरह से करते रहो। सर्कल सर्कल यहाँ पे प्रेशर डालना है, यहाँ पे सिर्फ इसको हाथ को घुमाना है ऐसे ऐसे लाइनिंग के लिए, ऐसे सीधे सीधे, और जब सर्कल लेगा फिर ऐसे, ठीक है। ये देखो सर्कल के लिए हाथ घूम रहा है, फिर तभी पेंसिल को सिर्फ टच करना है, ये जैसे ही हाथ घूम रहा है पेंसिल को टच किया बन गया सर्कल, हाथ घूम रहा है टच किया ऐसे, हाथ घुमाना फिर टच करना, ठीक है। यही प्रैक्टिस आपने करनी है जब भी आप स्केचिंग करने से पहले, हमेशा कोई भी स्केच बनाओगे उससे पहले आपको ये प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, दिन में आधा घंटा तो ज़रूर करना है। ओके हाँ, तो आज की इस वीडियो में जो भी मैंने आपको लाइनिंग प्रैक्टिस के लिए जो भी स्किल्स बताए हैं इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। जब भी आप आगे प्रैक्टिस करेंगे तो मैं आपको 100% श्योरिटी देता हूँ कि एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हो, अगर नहीं पता चले कैसे करना है आप कभी भी मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और मैं अपना इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मुझे आप इंस्टा पे भी कभी भी मैसेज करके पूछ सकते हो। और हाँ, स्केचिंग का सिर्फ एक मंत्र है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। ओके थैंक यू।